हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे अन्नपूर्णी किचन हिंदी में स्वागत है। आज मैंने आप लोगों के लिए ले आया हूँ बाहर की दुकान की तारा क्रिस्पी गुलगुल वाली आलू की चॉप रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, सभी लोग इस रेसिपी को बहुत ही पसंद करता है। आज मैंने इस रेसिपी को बहुत ही कम समय पर बहुत ही इजी तरीके से तैयार किया। मेरी वीडियो को आप लोग इन तक ज़रूर देखना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और एक बात, अगर आप लोग इस वीडियो को बंगाली और इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया है। तो चलिए आज का रेसिपी देख लेते हैं। आज का रेसिपी करने के लिए मैंने यहाँ पर पहले ले लिया बॉयल करके रखी हुई आलू, साथ में ले लिया बेसन, साथ में ले लिया राइस फ्लावर, ले लिया थोड़ा सा पानी, ले लिया बेकिंग सोडा, साथ में ले लिया अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट, ले लिया हरी धनिया और ले लिया टमाटो। टमाटो को मैंने काट लिया, आप लोगों को दिखाती हूँ। साथ में स्वाद अनुसार नमक और हल्दी पाउडर। अभी हम बॉयल करके रखी हुई आलू को एक बॉल पर डाल रही हूँ। अभी हम इस आलू को हाथों से थोड़ा सा मैश कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने कैसे कर रही हूँ। मैंने आलू को बहुत ही अच्छे से मैश कर लिया। अभी मैंने एक कढ़ाई पर ऑयल डाल रही हूँ। अभी हम ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया। अभी हम यहाँ पर टमाटो को डाल दिया। टमाटो को डालने के बाद अभी हम थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर डाल देंगे। अभी हम कुछ समय के लिए टमाटो को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। टमाटो को अच्छे से फ्राई करने के बाद अभी हम अदरक और ग्रीन चिली की पेस्ट को डाल दूंगे। अभी हम अदरक और ग्रीन चिली की पेस्ट को भी बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अदरक और ग्रीन चिली को अच्छे से फ्राई करने के बाद अभी हम मैश करके रखी हुई आलू को डाल दूंगे। अभी हम आलू को टमाटो के साथ बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने कैसे कर रही हूँ। अभी हम आलू को बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने आलू को बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया। अभी हम यहाँ पर हरी धनिया को डाल देंगे। अभी हम हरी धनिया को बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने हरी धनिया को बहुत ही अच्छे से आलू के साथ मिला लिया। अभी हम इसको एक बॉल पर उतार रही हूँ। अभी हम बेसन की बैटर को तैयार कर लेंगे। इसके लिए बेसन को एक बॉल पर डाल दिया, साथ में राइस फ्लावर को भी डाल दूंगी और साथ में स्वाद अनुसार नमक और हल्दी पाउडर डाल देंगे। अभी बेकिंग सोडा को नहीं डालेंगे। अभी हम सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाने के बाद अभी हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और बैटर तैयार कर लेंगे। हम पूरी पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और ऐसे इसको हम मिला लेंगे। हम पूरी पानी को एक साथ डाल देंगे तो बैटर को अच्छे से नहीं फेंट पाएंगे। मैं थोड़ा सा और भी पानी ऐड कर दूंगी। अभी हम और पानी नहीं डालूंगी। अभी हम बैटर को फेंट लेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने बैटर को कैसे फेंट रही हूँ। बैटर को फेंटने के बाद अभी हम यहाँ पर बेकिंग सोडा को डाल दूंगी। बेकिंग सोडा को अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, अगर हम पहले से बेकिंग सोडा को मिला लेता तो हमारा जो चॉप है वो अच्छे से गुल गुल नहीं होता। इसके लिए चॉप को फ्राई करने से कुछ देर पहले ही सोडा को ऐड करना है ताकि हमारा जो चॉप है वो अच्छे से गुल गुल हो। आप लोग मेरे बैटर की गाढ़ापन देख रही है, आपको ऐसे एक गाढ़ा बैटर तैयार करना है। अभी हम फ्राई करके रखी हुई आलू से आलू चॉप की शेप तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया, आप लोग देख सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा आलू ले लिया और देखिए हम कैसे आलू की चॉप के लिए एक शेप तैयार कर रही हूँ। हम पहले थोड़ा सा आलू लिया और उसको राउंड कर रही हूँ और अभी हम दोनों हाथों से इसको एक शेप तैयार कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने कैसे एक सुंदर सा आलू की चॉप के लिए शेप तैयार कर लिया। ऐसे हम पूरी आलू से आलू चॉप की शेप तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया। अभी हम आलू को बेसन में डुबाकर ऑयल पर छोड़ देंगे। आप लोगों को एक करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर आलू ले लिया, आप लोग देख सकते हैं। अभी हम इस आलू को बेसन में डुबा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कैसे मैंने डुबा रही हूँ।
आप लोगों ने देखा मैंने आलू को कैसे बेसन पर डुबाया। अभी इसको ऐसे हम ऑयल पर छोड़ देंगे। आलू चॉप को फ्राई करने के समय आपको फ्लेम मीडियम रखना है। अगर आप हाई फ्लेम पर ये चॉप फ्राई करेंगे तो चॉप ऊपर से फ्राई हो जाएगा लेकिन अंदर से फ्राई नहीं होगा। अगर आप लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो हमारा चॉप अच्छे से गुल गुल नहीं होगा। इसके लिए आपको मीडियम फ्लेम पर ही ये चॉप फ्राई करना है। आप लोग देख रहे हैं मैंने यहाँ पर एक साथ ज़्यादा आलू चॉप नहीं डाला। मैंने यहाँ पर एक एक आलू चॉप दे रही हूँ और उसको थोड़ा सा गुल गुल करने के बाद हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। फिर हम एक और आलू चॉप दे रही हूँ। अभी हम सभी आलू चॉप को गोल्डन ब्राउन कलर होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सभी आलू चॉप को बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया। अभी हम इसको उतार लेंगे और बाकी आलू चॉप को ऐसे हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं आलू चॉप कितना गुल गुल और कितना क्रिस्पी हुआ है। आप लोग इस तरीके से घर पर जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। मेरा आज का वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। बाय।